तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज हम वापस आ चुके हैं। जी हाँ, आप लोगों को वादा किया था फैंटेसी टीम ड्रीम इलेवन की टीम देंगे आपको सभी को। कोई भी ऐप में आप इस टीम को यूज़ कर सकते हो। मैं हालांकि अब कबड्डी में खेलूंगा प्लेयर स्पॉट से, जो कि कम कंपटीशन में कम प्राइजेज में उतना ही प्रॉफिट देता है जितना ड्रीम इलेवन देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत ही एक्सेसिबल है। तो अभी के लिए तो मैं भाई लोग प्ले स्पॉट यूज़ करूँगा। आज मेरा मेन ऐप रहेगा इस पूरे कबड्डी में प्ले एड स्पॉट। आप लोग ड्रीम इलेवन में भी टीम बना सकते हो, मैं उस हिसाब से टीम दूंगा। आप लोग को टेंशन मत लेना और बिल्कुल इन्वेस्टमेंट की तो फिक्र ही मत करना। मैं आपको पूरी तरह से सेफ, कम रिस्क पर प्रॉफिट, बढ़िया मतलब ठीक ठाक प्रॉफिट कमा देने वाली टीम दे रहा हूँ। तो आज का जो मुकाबला है, पहले मुकाबले के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि पहला मुकाबला जो आज का होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है बेंगलुरु बुल्स, माफ़ कीजिए, यू मुंबा बनाम जयपुर पिंक पैंथर्स। और यू मुंबा और जयपुर पिंक पैंथर्स का जो मुकाबला है, इन दोनों टीमों के राइवलरी बहुत ज़बरदस्त रही है। पिछले बार देखे तो जयपुर पिंक पैंथर्स ने यू मुंबा को हराया था, लेकिन हालांकि गुमान सिंह ने सुपर टेंथ जड़ा था, अर्जुन देसवाल ने सुपर टेंथ जड़ा था, माफ़ कीजिए, जयपुर को यू मुंबा ने हराया था पिछले बार। और यू मुंबा ने 5-2 के डिफेंस की स्ट्रैटेजी के साथ लगातार दो गेम्स जीते थे। तो पिछला भी जीता महाराष्ट्र डार्बी, और उससे पहले भी ऑलमोस्ट एक क्लोज गेम हारे थे। तो कहना होगा कि यू मुंबा की टीम जो है 5-2 डिफेंस की स्ट्रैटेजी, यानी 5 डिफेंडर्स और 2 ही रेडर खिला रहे हैं पिछले दो गेम्स से। पर मुझे लगता है कि आज के दिन कुछ स्ट्रैटेजी में शिफ्ट ज़रूर आएगा, इसलिए मैंने उस हिसाब से आज टीम बनाई है। अगर स्टार्टिंग 7 में कोई भी प्लेयर नहीं होता है तो आपको बता दूँ, एक तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, या तो मैं वहाँ अपडेट दे दूँगा, या फिर लाइव हम 5-6 मिनट जल्दी शुरू करेंगे, क्योंकि आपको पता ही होगा हम स्पोर्ट्स क्लब पे कबड्डी के गेम्स लाइव दिखा रहे हैं, लाइव कमेंट्री के साथ, आपको ऑडियो कमेंट्री लाइव हम आपको बता रहे हैं, आपको देखा हाल, तो आप उसको पूरी तरह से जो है सुन सकते हैं स्पोर्ट्स क्लब पे। और उसके लिए यहाँ पर आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जब भी हम लाइव आएंगे आपको नोटिफिकेशन पे, मतलब जो नोटिफिकेशन को है ऑल से सेट कर देते हो, तो सीधा आपको जो है हम जब लाइव आएंगे तो आपको दिख जाएगा कि हम लाइव आ चुके हैं। तो ये चीज़ है, तो हम जब 5-6 मिनट पहले लाइव आएंगे, यानी 7:25 से 7:24 के बीच में हम लाइव आएंगे, 7:24 से 7:25 के बीच में, तब जब स्टार्टिंग सेवन्स आती हैं तब टीम की, तब मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आखिरी 5 मिनट में आप चेंजेस कर सकते हो, 1-2 चेंजेस जो भी मैं स्टार्टिंग सेवन में हमारे प्लेयर्स नहीं खेल रहे होंगे, या फिर जो भी टैक्टिकल चेंजेस होंगे आखिरी मोमेंट पे मैं आपको लाइव में बता दूंगा, तो आपको लाइव में जुड़ लेना है, ठीक है। तो अगर हम चले मैच के बारे में बात करें, तो जो आज का मैच होगा बहुत प्रस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, बहुत प्रस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं भी है। तो क्योंकि आप देखो, क्योंकि आज हम बहुत दिनों बाद वापसी कर रहे हैं कबड्डी में, मैं ऐसा नहीं कि टीम नहीं बना रहा था, टीम बना रहा था, लेकिन कॉन्टेस्ट बहुत ही लो इन्वेस्ट कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा, क्योंकि वर्ल्ड कप में ज़्यादा ध्यान रहता है आप लोग को पता ही है, इसलिए हमने सोचा कि आपको यहाँ पर अब कबड्डी में मैं ड्रीम इलेवन टीम देना शुरू कर दूंगा। और अब तो हम लाइव रहते हैं कबड्डी में, तो उस टाइम पे जो है आप सब लाइव रहोगे, तो विनिंग प्रूफ मैं आपको लाइव दिखा भी सकता हूँ कि हाँ भाई हमारी टीम अच्छा कर रही है या नहीं कर रही है। तो देख लीजिए आज के दिन हमारी टीम में क्या रहेगा। तो देखिए, रेडर्स में आज हम लेने वाले हैं अर्जुन देसवाल, गुमान सिंह एंड आशीष को। अगर राहुल चौधरी को लेना चाहते हो तो भाई ले सकते हो, ग्रैंड लीग में आपके लिए पिक हो सकते हैं, बट आशीष को ड्रॉप मत करना। कंसिस्टेंटली पॉइंट लेके आ रहे हैं, 5-6 पॉइंट्स लेके आते हैं यू मुंबा के लिए, और आपके फैंटेसी के लिए बहुत प्रस्पेक्टिवली बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं लगातार पॉइंट्स लाते हुए। और क्योंकि ऐसा है कि वो लगातार पॉइंट्स लाते हैं तो उनका फेल होने के चांसेस कम है, 4-5 पॉइंट्स भी लाते हैं तो आपको पता है कम से कम 60-50 पॉइंट्स तो मिल ही जाएंगे आपको फैंटेसी में, डिपेंडिंग ऑन द पॉइंट सिस्टम आप जो भी आप यूज़ करते हो उस आपका। लेकिन एक बहुत ही प्रोडक्टिव प्लेयर है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेयर है, और डिफेंस में भी टैकल करते हैं कभी कभी, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि ये डिफेंस में भी पॉइंट लाते हैं, टैकल कर देते हैं, तो इसीलिए बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है। 2-in-1 पैकेज मिल जाता है और काफ़ी कम क्रेडिट्स हैं इनके, तो मुझे लगता है कि आपको आशीष ले लेना चाहिए। राहुल चौधरी आई थिंक वो उस फॉर्म में, उस कॉम्पिटिशन, उस कॉन्फिडेंस में भी नहीं है, और डिफेंस में पॉइंट नहीं लाते, इसलिए मैं यहाँ पर राहुल चौधरी को नहीं ले रहा हूँ। अगर ग्रैंड लीग की टीम बना रहे होगी तो आप प्लीज़ राहुल चौधरी को कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आशीष, अर्जुन देसवाल और गुमान, ये हमारे स्मॉल लीग के 3 रेडर हो गए हैं। अगर आप ग्रैंड लीग में चाहो तो आप क्या कर सकते हो, देखो बहुत कुछ कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी थिंकिंग क्या है, आप किस लेवल पे सोच सकते हो। अगर आप चाहो
तो राहुल चौधरी को ले सकते हो गुमान को ड्रॉप करके, क्योंकि गुमान ने 2 सुपर 10 मारे हैं, हेड गियर के साथ खेल रहे हैं, लेकिन कुछ भरोसा नहीं कि गुमान चलेंगे नहीं। आशीष को ड्रॉप कर सकते हो और उसके जगह राहुल चौधरी को ले सकते हो, तो डिपेंडिंग। और मुझे लगता है कि एक आध फेलियर आज अर्जुन देसवाल का भी आ सकता है, पर फिर भी हम तो अभी के लिए सेफ रहेंगे, अर्जुन देसवाल 9-10 पॉइंट लेके आ ही जाएंगे, उनका फेलियर भी राहत होगी, इसलिए वही एक हमारे वो मस्ट प्लेयर है। लेकिन आप ग्रैंड लीग में खेल रहे हो तो उनको ड्रॉप करने का भी रिस्क ले सकते हो, ठीक है। लेकिन आप ग्रैंड लीग में हो इसीलिए बोल रहा हूँ कि रिस्क लेना, ग्रैंड लीग में रिस्क से ही आप बढ़िया अमाउंट जीत सकते हो, और रिस्क भी आपको कैलकुलेटिव लेना पड़ेगा, यानी कैलकुलेशन करके लेना पड़ेगा, जब आखिरी 10-15 मिनट बाकी रहे होंगे तब ही आपको रिस्क लेना होगा कुछ सोच के आपके इंस्टिंक्ट के साथ। और जी हाँ, जब आप रिस्क लेते हो ना तो उस पर रिग्रेट मत करना कि आपने रिस्क क्यों लिया, ठीक है, रिग्रेट मत करना, उसका पश्चाताप मत करना कि आपने ये रिस्क क्यों लिया। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, आपको पता है कि आपके पैसे डूब सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है पूरी तरह से कि आप रिस्क ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। तो ये ग्रैंड लीग में बात कर रहा हूँ, ग्रैंड लीग में रिस्क लेना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ स्मॉल लीग में देखो तो आप एक आधी रिस्क लो। तो यहाँ पे मैं ऑलराउंडर्स में रिस्क ले रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा कोई ऑप्शन है नहीं। आप चाहो तो जय भगवान के साथ जा सकते हो, मैं ले रहा हूँ इकरामी को, क्योंकि ये मल्टी पॉइंट रेड करके देते हैं, एक ही रेड में 3-3, 4-4 प्लेयर्स ले सकते हैं, और इसी वजह से मैं इकरामी के साथ जा रहा हूँ। यू मुंबा के एक बेहतरीन और एस प्लेयर है। अब यहाँ पे डिफेंस में बात आई तो हम सुरेंदर को ले रहे हैं, अगर सुरेंदर नहीं रहे तो हरेंदर या फिर किरण मगर आप किसी को भी ले सकते हो, स्टार्टिंग 7 के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से वो होंगे या नहीं होंगे, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वो जो हमारे यू मुंबा के मतलब आज सुरेंदर अगर फिट हो जाते हैं, मुझे लगता है कि फिट हो जाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली, इसलिए सुरेंदर को ले रहा हूँ मैं। और बाकी दो डिफेंडर्स दो हैं, वो तो भाई एपिक हैं, सुनील कुमार ऑफकोर्स इज इन अ सुपर फॉर्म, ज़बरदस्त फॉर्म में है, और उनके साथ हैं फाइंड ऑफ दिस टूर्नामेंट अंकुश राठी, कमाल के खिलाड़ी लेफ्ट कॉर्नर में, इस खिलाड़ी को शायद ही कोई चैलेंज कर सक रहा है इस सीज़न में, ज़बरदस्त खेले हैं। तो मुझे इसीलिए लगता है कि इस मैच में जो है काफ़ी कुछ निर्भर करेगा अंकुश पे भी, और साहुल को भी ले सकते हो आप, ऐसा नहीं कि मैं नहीं खेलने के लिए बोल रहा हूँ, आप साहुल को ले सकते हो, आप एक्सपेरिमेंटल हो सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन अंकुश ले लेना, अंकुश बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। अगर हाँ स्मॉल लीग में आप साहुल को लेते हो तो एक आपके लिए ऐसा हो सकता है, मुझे लगता है ज़्यादातर लोग साहुल को ही लेंगे, लेकिन मैं अंकुश लेना चाहता हूँ क्योंकि ही इज़ आई मीन इन अ ट्रमेंडस फॉर्म, तो इसलिए मैं रहूँगा कि आप कहूँगा आप लोगों की भाई साहिल माफ़ कीजिए आप साहुल ना लेकर अंकुश को लो, ठीक है, ये मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने आपको दिया, ठीक है। तो ये था पहला मूव, पहले हमारा रिस्क, और कैप्टन वाइस कैप्टन में भी एक रिस्क लूँगा, अर्जुन देसवाल को कैप्टन बना लूँगा, अर्जुन देसवाल ऑफकोर्स मोस्ट लाइकली कैप्टन होने वाला है। अब यहाँ देखिए वाइस कैप्टनशिप में किसको आप वाइस कैप्टन बना रहे हो, गुमान को बना रहे हो, सुरेंदर को बना रहे हो, अंकुश को बना रहे हो, मेरा चॉइस रहेगा कि भाई एक डिफेंडर के साथ जाओ स्मॉल लीग में, अंकुश को बना दो वाइस कैप्टन, काफ़ी क्रिटिकल रोल प्ले कर सकते हैं डिफेंस में, अगर ये चले और इन्होंने 3-4 या एक हाई फाइव भी ले लिया तो बहुत ज़बरदस्त, 3 पॉइंट्स भी ले लिए तो बहुत ज़बरदस्त रहेगा। तो मैं चाहूँगा आप लोग अंकुश के साथ वाइस कैप्टनशिप का रोल दो, या तो आप जा सकते हो वाइस कैप्टनशिप में गुमान के साथ, सेफ ऑप्शन रहेगा, लेकिन अंकुश को वाइस कैप्टन बनाओ, ये बहुत बड़ा रिस्क होगा स्मॉल लीग में, एक रिस्क जो कि हमें लेना चाहिए ताकि हम ज़्यादा लें, कम से कम 3-4 मेंबर लीग में आपको ये रिस्क जो है बहुत ही आसानी से एक तरफा जीत दिला सकता है, ठीक है, 10 मेंबर लीग में भी आराम से जिता सकते हैं ना, तो इस तरह से आपको यहाँ पे छोटा मोटा रिस्क लेना है, बाकी मैं कहूँगा कि ज़्यादा रिस्क मत लेना, ठीक है। तो ये था पहला मैच, दूसरे मैच के ऊपर जो वीडियो है वो आप लोगों को जल्दी मिल जाएगा, मिलते हैं अगले वीडियो पे, दूसरे मैच वाले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।